यूपी के बांदा में 12वीं की छात्रा ने एक युवक से परेशान होकर घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप है कि गांव का एक युवक छात्रा को ब्लैकमेल करता था, जिसके कारण होकर घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप है कि गांव का एक युवक छात्रा को ब्लैकमेल करता था, जिसके कारण उसने मजबूर होकर ऐसा कदम सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें मृतका ने युवक द्वारा ब्लैकमेलिंग का जिक्र किया है। पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। मामला देहात कोतवाली के एक गांव का है। घटना के समय मृतका घर पर अकेली थी। पुलिस को मिले सुसाइड नोट के मुताबिक मृतका ने लिखा है कि गुड़िया, मैं तुम्हारे पास आकर सब कुछ बताना चाहती थी कि सुभाष मेरे साथ क्या क्या कर रहा है और मुझे मजबूर कर रहा है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं तुमसे मिले बिना सबको हमेशा के लिए छोड़ कर जा रही हूँ। भी बताया था कि सुभाष मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन ये कैसे बताती कि सुभाष मुझे किस हद तक परेशान कर रहा है। गुड़िया सुभाष को सबक जरूर सिखाना, ताकि वह किसी भी लड़की को ब्लैकमेल करने से पहले 1000 बार सोचे। उधर परिजनों ने पुलिस से आरोपी सुभाष के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि हमें हमारी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए, आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इस मामले में सीटी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस इस मामले की गहनता से छानबीन कर रही है। पीड़िता को इंसाफ जरूर मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।